माय नेम इज शिप्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। बहुत ही ईजी है, बिगनर्स आराम से कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ डिटेल में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बिंदी हटा ली है, फेस ऑलरेडी मैंने वॉश किया हुआ था। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे बायोटिक का हनी वाटर, जो बहुत ही अच्छा टोनर है। एंड इसको आप अपने हैंड की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर जेल है। बहुत ही लाइट क्रीम है, लाइक मेरी ऑयली स्किन है तो ये मॉइस्चराइजर मुझे एकदम परफेक्ट लगा। और आप इसको आराम से लगा सकते हैं एंड काफ़ी लाइट सा है, तो ऐसा भी नहीं लगता कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक क्रीम वाला टेक्सचर आ गया। तो ये एकदम से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। देन मैंने ये यूज़ किया है लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर एंड ये क्रीम बेस है और बहुत अच्छा लुक आता है इससे। आपको प्राइमर डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए अपने मेकअप लुक में हमेशा, कि एक तो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, प्लस ये आपका जो भी स्किन को डैमेज पहुँचता है जो भी आप मेकअप लगाते हो तो उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, आप हमेशा प्राइमर यूज़ करें चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, बट यूज़ करना चाहिए। देन ये है इनसाइड की कलर करेक्टर कंसीलर एंड कॉन्टोर पैलेट, एंड ये वन ऑफ द फेवरेट है अभी मेरी रिसेंटली, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मैं इसमें ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ, प्लस मैंने ग्रीन लगाया है। ऑरेंज करेक्टर आपका डार्क सर्कल्स या फिर आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके लिए है, एंड ये जो मैंने ग्रीन करेक्टर लगाया है ये बेसिकली रेडनेस और हल्के से आपके जो एक्ने मार्क्स रह जाते हैं उनके लिए है। तो मैंने दोनों अप्लाई किए हैं एंड इनको मैं अभी अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से लगा लूँगी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन एंड ये बहुत ही अच्छा है, 2-in-1 है, कंसीलर प्लस इसमें फाउंडेशन है। इसके साथ मैं एक इल्यूमिनेटर मिक्स कर रही हूँ जो बहुत अच्छी शाइन लाएगा। गोल्डन कलर का मेरा इल्यूमिनेटर है एंड इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करेगा आपके फेस पे एंड काफ़ी अच्छे से लग जाता है। ऑयली स्किन के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं कम रिकमेंड करूँगी, बिकॉज इस फाउंडेशन का जो टेक्सचर है वो ऑलरेडी ऑयली है। तो अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सुपर्ब है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। बट मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ले रखा है, तो ऑब्वियसली अब इसको यूज़ तो करना ही है। तो मैं लगाती हूँ इसको और बहुत अच्छा लुक आता है। जैसे कॉस्टली है, 1100 के आसपास का है, तो उस हिसाब से वर्थ है, कि मतलब एक पार्टी वेयर टाइप्स लुक आ जाता है, फुल कवरेज देता है। देन मैं कंसील कर रही हूँ अपने अंडर आइज को, क्योंकि काफ़ी मेरे डार्क सर्कल टाइप्स हैं तो उस पर मैं कंसीलिंग कर रही हूँ एंड थोड़ा सा जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको कर रही हूँ। एंड कंसीलिंग आप फाउंडेशन से पहले भी कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बाद में किया, थोड़ा एक अच्छा सा लुक आ जाता है एंड काफ़ी सुंदर मेकअप निकल के आता है। और अभी आपको थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा होगा तो वो थोड़ा सा लाइट की वजह से लग रहा है, अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट लुक आया था। एंड यहाँ पे मैंने लिया है लैक्मे का लूज पाउडर, जिससे मैं अपनी कंसीलिंग को सेट कर लूँगी। लाइक अगर आप पाउडर बाद में यूज़ करते हो तो वो कंसील के ना लाइंस वगैरह बनने लग जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जल्दी से उसको सेट कर लो ताकि लाइंस ना बने। फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ब्रो आर्टिस्ट, एंड ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। एंड अभी मैंने और भी मंगाए हैं तो उनकी वीडियोस भी आपको जल्दी ही मिलेगी देखने के लिए, तो स्टे ट्यून रहिएगा चैनल पे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है। तो मैं इसमें दो शेड मिलते हैं, मैं डार्क वाला यूज़ करती हूँ। देन ये है आई शेडो पैलेट एंड ये ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, ये यू कैन बी की है एंड बहुत ही अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा है, पिगमेंटेड है काफ़ी। एंड इसका मैंने जो कलर लिया है वो पीच कलर लिया है और इसका ना थोड़ी सी क्लिपिंग मिस हो गई क्योंकि वो बंद हो गया मेरा कैमरा एंड मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में दिया तो वो जो मैंने एक और एक शिमरी शेड लगाया था वो रह गया एंड मैंने आईलाइनर भी दिखाया था वो भी रह गया। तो आईलाइनर मैंने यूज़ किया है लैक्मे का, जो सिर्फ 100 या 120 के आसपास का आ जाता है, बहुत अच्छा है।
बिगनर्स के लिए एकदम परफेक्ट आईलाइनर है एंड बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। देन मैंने यूज़ किया है ये मस्कारा, ये मेबलिन का है एंड ये भी बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छा विंग प्रोवाइड करता है आपकी आईलैशेस को, तो मैं ज़्यादातर यही वाला यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है काजल, मेबलिन का कैलोसल काजल, और इसका मैं हल्का सा ही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे एक थोड़ा सा नॉर्मल सा भी टच चाहिए क्योंकि डे फंक्शन में हम लोग तैयार होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने एक सिंपल एंड सोबर सा टच रखा, तो मैंने एक सटल सा ही मेकअप लुक आपके साथ शेयर किया है। एंड देन मैंने लगाया है वाटर लाइन पर अपनी काजल, और थोड़ी सी मुझे दिक्कत आती है वाटर लाइन पर लगाती हूँ जब मैं काजल, अपर वाटर लाइन पर तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे आँखें बड़ी बड़ी लगती हैं। एंड देन मैंने यूज़ करा है ये कंसील, लाइक कोई भी एक्स्ट्रा जो आई शेडो आपका बाहर निकल जाता है उसके लिए आप परफेक्टली ये कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसी तरह से अपना एक टचअप दे देती हूँ बाद में क्योंकि ऑब्वियसली फॉल आउट थोड़ा बहुत होता है, तो उसकी वजह से मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट आती है कॉन्टोर की बारी, एंड कॉन्टोर में मैं पहले ही बता देती हूँ मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ इसको डेफिनेशन देने में, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। चीक बोन्स पे लगा लिया, देन मैंने जॉ लाइन्स पे लगा लिया एंड देन मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, तो इस तरह से कुछ मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। और कॉन्टोरिंग आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो, ये कोई ऐसा ही नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलरली फॉलो करना ही है ये स्टेप, तो इनमें से कोई भी स्टेप जो आप चाहते हो वो स्किप कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट एक दिखाए हैं कि मैं अपने स्टेप्स किस तरह से फॉलो करती हूँ, एंड ऑब्वियसली जो भी स्टेप आप करते हो उससे कुछ ना कुछ डेफिनेशन मिलती है आपके फेस को, तो मैंने कॉन्टोरिंग कर ली। लाइक मैं इसी पैलेट में से ब्लश लगा लूँगी जो पिंकिश शेड पे है, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है, अलग से मैं कोई भी ब्लश ऑन यूज़ नहीं कर रही हूँ। देन मैं हल्का सा एक हाइलाइटर लगाऊंगी इसमें से ही, एंड देन ये है मेरा हाइलाइटर वेट एंड वाइल्ड का, ये भी अब ख़त्म होने के लिए है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके लिए डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो एंड काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगता है। बट मैंने इसमें यहाँ पे ना हल्का सा ही हाइलाइटर लगाया, मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर सा लगे, तो एक सटल सा ही मेकअप लुक रखा मैंने। एंड देन नोज़ पे लगा लिया, फोरहेड पे लगा लिया, और थोड़ा सा मैं अपनी ब्राउ बोन पे भी लगा लूँगी ताकि वो हल्की सी पॉप आउट होकर दिखती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। देन अब मैं फेस को एक हल्का सा टचअप दे रही हूँ विथ फेस पाउडर, लैक्मे का फेस पाउडर, एंड हल्का सा टचअप दे दो बिकॉज गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा बनता है। एंड देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ कीजिए बिकॉज गर्मी है, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लंबे टाइम तक टिका रहे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों ने मेकअप क्रिएट कर लिया उसके बाद पसीने में सारा बह गया, तो थोड़ा सा ये सेटिंग स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैंने यूज़ करी अपनी फेवरेट लैक्मे की ये लिप शेड, लिक्विड लिप शेड है, एंड ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसका कलर कौन सा है, तो आप मेरी मेकअप हॉल वीडियोज़ देख सकते हो अमेजन मेकअप हॉल, उसमें मैंने बताया है। एंड देन ये मैंने अब कॉम मंगाए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, ये मैंने अमेजन से मंगाए हैं, नीम वुड के हैं एंड बहुत अच्छे हैं, तो आप इस तरह का कॉम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे कॉम मंगाए हैं अभी रिसेंटली एंड काफ़ी अच्छे लगे। ये जो मेरे इयर रिंग्स हैं ये मेरे मीशो के हैं, इनका हॉल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पर। देन मैंने बिंदी लगा ली एक छोटी सी, और ये मैंने बैंगल्स पहने हैं, ये भी मीशो से हैं, इनका भी हॉल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे। एंड दैट्स इट, ये है मेरा प्यारा सा मेकअप लुक, और ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो बहुत अच्छा लगता है, एंड ये मेरा थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आप लोगों की डिमांड पर मैंने फुलफ़िल किया है, क्योंकि प्रॉपर सेटअप नहीं होता है बट मैंने आप लोगों के लिए किया, एंड आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल हुई होगी, वीडियो होती है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।